हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रवीण चौहान, शैक्षिक अधिकारी गृह विज्ञान NIOS और आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर। ब्यूटी थेरेपी कोर्स के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम का विषय है ब्लीचिंग। चेहरे के बालों के रंग को हल्का करने की प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहा जाता है। ब्लीचिंग में केमिकल्स का प्रयोग होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से ब्लीचिंग की जानी चाहिए। ब्लीचिंग में ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर को त्वचा के रंग के अनुसार सही अनुपात में मिलाना, कितने समय तक ब्लीच को चेहरे पर रखना, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए ब्लीचिंग की विधि को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। चेहरे को सुंदर बनाने की विधियों में से ब्लीच एक प्रचलित विधि है। इस विधि में हमारे चेहरे की त्वचा के बाल रंगहीन हो जाते हैं, यानी कि त्वचा के रंग से मेल खाते हुए हो जाते हैं, जिस कारण हमारी त्वचा का रंग निखरा हुआ लगता है। ब्लीच दो प्रकार की होती है, पाउडर ब्लीच और क्रीम ब्लीच। सैलून में ज़्यादातर क्रीम ब्लीच का ही प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार की ब्लीच क्रीम मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी ब्लीच क्रीम ले सकते हैं। ब्लीच करने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है, हेडबैंड, टॉवल, टिश्यूज, सैनिटाइजर, स्पैचुला, प्लास्टिक की कटोरी, कॉटन, क्लिंजिंग मिल्क, ब्लीच क्रीम व एक्टिवेटर। ब्लीच क्रिया में अमोनिया नामक केमिकल होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की त्वचा पर इस विधि को अपनाने से पहले एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यह पैच टेस्ट और भी आवश्यक हो जाता है जब कोई व्यक्ति पहली बार ब्लीच करवा रहा हो, क्योंकि कुछ लोग केमिकल के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसके लिए आपको ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर का थोड़ा सा मिश्रण बनाना है। इसे आप क्लाइंट की कोहनी के पीछे, कान के पीछे या हाथ पर लगा सकते हैं। इस मिश्रण को आप क्लाइंट के हाथ पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 24 घंटे तक आपको इसे ऑब्जर्व करना है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इस ब्लीच को हम साफ कर देंगे। कॉटन व पानी की सहायता से इसे साफ कर दीजिए। जितनी देर तक हमें ब्लीच चेहरे पर लगाकर रखनी होती है, इस पैच टेस्ट में भी उतना ही समय ब्लीच लगानी है। अब इस हाथ की त्वचा को हम 24 घंटे तक ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कोई रेडनेस या स्किन लाल हो जाना या दाने वगैरह हो जाना तो नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो इसका मतलब है हमारी स्किन ब्लीच कराने के लिए तैयार है। और यदि कोई स्वेलिंग या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो ऐसी त्वचा पर आप ब्लीच नहीं करेंगे। ब्लीच की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। यह मास्क लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सर्विसेज देते समय आप क्लाइंट के काफ़ी पास होकर कार्य करते हैं। क्लाइंट को कोई असुविधा ना हो और साथ ही किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए यह मास्क पहनना ज़रूरी है। इसके बाद सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें। क्लाइंट को हेडबैंड लगाएं और जो भी उन्होंने ज्वेलरी वगैरह, चेन या टॉप्स पहने हों, उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब सबसे पहले क्लाइंट के चेहरे को क्लिंजिंग मिल्क की सहायता से अच्छी तरह से साफ करें। उन्होंने अगर पहले से कोई मेकअप लगाया हुआ है या लिपस्टिक वगैरह, काजल, वह सब इससे साफ हो जाता है। क्लिंजिंग मिल्क को पानी का हाथ लगाते हुए मालिश की मुद्रा में करें।
जब पूरे चेहरे पर क्लिंजिंग मिल्क अच्छी तरह से लग जाए तब एक कॉटन की सहायता से चेहरे को साफ कर लें। अब हम ब्लीच मिश्रण तैयार करेंगे। इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। यदि क्लाइंट का रंग थोड़ा सांवला है तो आप उसमें एक्टिवेटर थोड़ा कम डालेंगे, और यदि क्लाइंट के चेहरे का रंग काफ़ी गोरा है तो एक्टिवेटर थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, जिससे बाल त्वचा के रंग से मैच करते हुए हो जाए। यहाँ हमने एक चम्मच ब्लीच क्रीम में एक पिंच यानी एक चुटके भर एक्टिवेटर डाला है। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। कुछ क्लाइंट्स की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, उसके लिए भी आप एक्टिवेटर का मात्रा का प्रयोग थोड़ा कम करेंगे। हमारी क्रीम और एक्टिवेटर अच्छी तरह मिक्स करके अब आप चेहरे पर लगाना आरंभ करेंगे। ब्लीच को पूरे चेहरे पर एक सार फैलाएं और साथ ही साथ कानों पर भी ब्लीच अवश्य लगाएं। ब्लीच लगाते हुए ध्यान रखना है कि सिर के बालों, आईब्रोज व आँखों के आसपास यह ब्लीच बिल्कुल भी टच ना करे। क्लाइंट को आंखें बंद करने के लिए कहें, क्योंकि अमोनिया की स्मेल से आंखों में पानी आने लगता है। क्रीम ब्लीच के साथ साथ पाउडर ब्लीच का भी प्रयोग पार्लर्स में किया जाता है। यह पेस्ट अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर व हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसे बाहों, टांगों व शरीर के अन्य भागों में प्रयोग किया जाता है। जिन क्लाइंट्स की स्किन बहुत ऑयली होती है उनके लिए यह ब्लीच काफ़ी लाभप्रद साबित होती है, परंतु आजकल चेहरे के लिए क्रीम ब्लीच ही बेस्ट मानी जाती है। क्लाइंट की त्वचा के रंग के अनुसार हम इसे 15 से 20 या 25 मिनट तक लगाकर रख सकते हैं। यदि चेहरे का रंग अधिक सांवला है तो केवल 15 मिनट तक ही ब्लीच लगाएं। गेहुआ रंग होने पर 20 मिनट और बहुत अधिक फेयर कलर होने पर 25 से 30 मिनट तक भी ब्लीच लगाकर रख सकते हैं। ब्लीच लगाने के साथ साथ ही 2 मिनट के बाद आप क्लाइंट से अवश्य पूछें कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा सेंसेशन महसूस तो नहीं हो रही, यानी कि कोई जलन तो नहीं हो रही। यदि यह जलन हल्की फुल्की है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लीच लगी रहने दें, परंतु अगर यह जलन बहुत ज़्यादा हो तो स्पैचुला की सहायता से उस स्थान से ब्लीच को हटा दें और बाकी चेहरे पर लगी रहने दें। 10 मिनट बाद स्पैचुला की सहायता से साइड की ब्लीच हटाकर देखें कि बाल अच्छी तरह से ब्लीच हो गए हैं या नहीं। यदि नहीं हुए तो कुछ समय तक ब्लीच और लगी रहने दें। ब्लीच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बालों में अच्छे से ब्लीच हो गई है, हमने चेक कर लिया है। अब पूरी ब्लीच को हटाकर चेहरे को पानी से साफ करेंगे। ब्लीच की प्रक्रिया खाली अगर कोई कराना चाहता है तब भी की जा सकती है। कुछ लोग क्लीनअप के साथ ब्लीच लेते हैं और कुछ लोग फेशियल के साथ भी ब्लीच लेते हैं। ब्लीच से हमारी स्किन की सारी मृत त्वचा साफ होती है व चेहरे पर ग्लो आता है। यदि मेकअप करने से पहले ब्लीच की जाए तो मेकअप काफ़ी अच्छा होता है और चेहरे पर अधिक ग्लो आता है।
चेहरे को टिश्यूज़ व पानी की सहायता से अच्छी तरह से साफ करें। चेहरे को साफ करने के बाद एक पैक लगाना आवश्यक होता है। चेहरा साफ हो चुका है, अब हम एक कूल पैक कस्टमर के पूरे चेहरे पर लगाएंगे। इस पैक को लगाने से त्वचा को काफ़ी ठंडक पहुंचती है व राहत मिलती है। पैक हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। दस मिनट तक इस पैक को लगा रहने देंगे, उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से साफ करेंगे। चेहरे पर पैक पूरी तरह सूख चुका है, 10 मिनट हमने इस पैक को लगाया है। अब पैक को उतारने की विधि भी हम सीखेंगे। सबसे पहले चेहरे पर एक स्प्रे बॉटल से स्प्रे करेंगे। अब हाथों की सहायता से इस पैक को थोड़ा सा मालिश करते हुए नरम करेंगे। हमें एकदम से सीधा या बहुत सूखे पैक को एकदम से नहीं उतारना चाहिए, उससे हमारी त्वचा खिंचती है। अब हमारा फेस पैक बिल्कुल नरम हो गया है। टिश्यू पेपर की सहायता से ठंडे पानी से इस पूरे पैक को साफ करेंगे। देखिए अब ये पैक कितनी आसानी से और आराम से निकल रहा है। पैक को अच्छी तरह से साफ करके यदि क्लाइंट की त्वचा ड्राई हो तो एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाएं। लीजिए, हमारी ब्लीच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ब्लीचिंग करते समय हमें किन किन सावधानियों का पालन करना होता है। एक सहायक ब्यूटीशियन होने के नाते आपको इन सभी सावधानियों को बरतना होगा और क्लाइंट को भी आफ्टर केयर के बारे में पूरी जानकारी देनी आवश्यक है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप ब्लीचिंग करने की सही विधि के बारे में बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।